हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर रूबी बंसल। एज आई प्रॉमिस्ड कि वी विल स्टार्ट अवर यूथ सीरीज, एंड आज जो है 12 अगस्त है, जो कि इंटरनेशनल यूथ डे है। और जो इंटरनेशनल यूथ डे है, कोई भी डे मनाया जाता है इसी चीज को देखने के लिए कि हम कैसे उस चीज पर फोकस कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकें, उनकी सॉल्यूशंस पर फोकस कर सकें। तो इस बार का थीम है ग्लोबल एक्शन, हाउ टू टेक द ग्लोबल एक्शन। सो यूथ का क्या रोल है ग्लोबल एक्शन में, परंतु मैं उस सब चीजों की बात नहीं करूंगी। मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है हेल्थ। तो यूथ अगर हेल्थी होगा तो तभी वो कुछ सोच पाएंगे। तो आजकल के यूथ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, क्यों जो है यूथ इतना मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं है, फिजिकली और मेंटली जो है हेल्दी नहीं है, उसका क्या कारण है? तो यही सब चीजें हम अपनी सीरीज में डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ा जो एक डिसहार्टन लगता है कि यूथ में क्यों इतने सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, तो सुसाइड्स क्यों कर रहे हैं यूथ, क्या कमी है उनके अपब्रिंगिंग में या क्या कमी है उनकी सोच में जो कि वो इन परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं और जो है सुसाइड जैसा खराब कदम उठा लेते हैं। तो यही मानना होगा, जैसे कि अगर जो है हम वर्ल्ड में देखा जाए, WHO की भी एक वो है कि हमारा जो 2/3 जो यूथ है वो समय से पहले उनकी डेथ हो जाती है। और अगर हम यही माने कि 1/3 ऑफ जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी बीमारियां एडल्ट्स की हैं, वो यूथ में किसी ना किसी बिहेवियर के स्टार्ट होने की वजह से होती है। चाहे वो स्मोकिंग की वजह से कैंसर्स हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से कैंसर्स या और बीमारियां हो, चाहे वो सेक्सुअल बिहेवियर की वजह से HIV एड्स हो, तो ये सब यूथ से ही स्टार्ट होती है। तो यूथ को बहुत अच्छे से समझना होगा अपनी हेल्थ के बारे में। तो आज तो मैं सब सिर्फ यूथ से यही एक चीज चाहती हूँ कि लेट्स प्लेज इस यूथ डे पर कि आप अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हों, आप अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहें, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के प्रति ध्यान दें। तो हम जो है इन्हीं टॉपिक्स पर बातें करेंगे और मैं एक एक टॉपिक को यूथ के हिसाब से ही एक एक टॉपिक को हम लेंगे कि क्यों, क्या स्मोकिंग है, क्यों करते हैं अल्कोहल, क्यों करते हैं। तो यूथ को जो है थोड़ा सा समझना चाहिए कि नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स, और सेक्सुअल बिहेवियर बहुत प्रिकॉशंस के साथ होना चाहिए। और जो सेक्सुअल बिहेवियर एक तरह का प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए और एक तरह का जो है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वे में नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें यूथ को ध्यान में रखनी होंगी। और चलिए आज सारे यूथ अगर प्लान लेते हैं कि वी विल बी हेल्दी। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कि क्या हम यूथ के बारे में किन किन प्रॉब्लम्स को लेकर चर्चा करते हैं। थैंक यू।